फर्स्ट टाइम दादी जी जब विदेश आई, उनका फर्स्ट स्टॉप तो लंदन ही था. दैट वाज इन 1976 समर. और दादी को बहुत ही अच्छा लगा रौनक देखने को. रेनबो गैदरिंग मीन्स वहाँ पर उस समय और आज तक भी भिन्न भिन्न नेशनैलिटीज़, भिन्न भिन्न रेसेस वाले, भिन्न भिन्न कल्चर्स वाले सभी थे. और सबसे मुख्य बात तो दादी जिस तरह से दृष्टि देती रही सबको, जैसे कि अपने शरीर के भान से उड़ा कर एक और वतन का अनुभव कराती रही. तो वो तो साइलेंस की भाषा जो है, दृष्टि की भाषा, जो प्रेम की भाषा है, संकल्प की भाषा, उसमें तो ट्रांसलेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है. जी जी. तो दादी ने इस तरह से सबके दिलों के ऊपर छाप लगाई. और फिर जैसे ही दादी सबके साथ मुलाकात करती रही, मैंने देखा दादी की ये एक कला है, कॉन्स्टेंट पॉजिटिविटी, ओके, कॉन्स्टेंट एलिवेटेड थॉट्स एंड गुड विशेस. तो चाहे कोई किसी भी बैकग्राउंड का हो, दादी रंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद, इन सब से पार दादी आत्मा को देखती थी. जी. और आत्मा को कुछ ऐसे दादी के मुख से महावाक्य निकलते थे जो उस आत्मा को प्रेरणा देने वाले होते थे, और वो उनको उड़ा लेती थी. जी. और जैसे कुछ भी उनके पास क्वेश्चंस होते थे तो कभी कभी दादी खुद भी उसका उत्तर दे देती थी, कभी कभी दादी कहती थी ठीक है मैं बाबा से पूछ के बताएंगे. तो ये जो दादी की नम्रता थी, नहीं तो दादी भी बहुत विजडम वाली थी, दादी खुद भी कुछ अपने विचार से कुछ बता देती थी, परंतु कई बार दादी की इतनी नम्रता जो दादी कहती थी अच्छा ठीक है मैं बाबा से पूछ के बताएंगे. तो दादी का ये जो नम्रता के साथ साथ जो भगवान ने उनको ये वरदान दिया हुआ था ट्रांस का, उसमें फिर दादी जो जिस तरह से लोगों को फिर उसका संदेश बताती थी, बाबा का संदेश है ये तो सब में भावना थी ही, परंतु दादी जिस ढंग से मीठे प्यार से उनको सुनाती थी उसका भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता था. तो जो बाबा ने कहा वो सत्य है, सबके मन में वो भावना रहती थी. जी. तो दादी का विदेश के लिए एक तो खुद की ट्रैवलिंग, जिसमें दादी अकेला उस समय आई थी भारत से, दादी इंग्लिश नहीं जानती थी, परंतु भारत से अकेला ट्रैवलिंग करके लंदन तक पहुंची. और फिर उसके बाद साउथ अमेरिका गयाना में गई. वहाँ पर छोटा सा सेंटर उस समय स्थापन किया हुआ था, परंतु बहुत ही अच्छा परिवार निकला था जो निमित्त बने बहुत ही अनेक सेवाओं के लिए. तो उनों के दिलियों को भी दादी ने जीत लिया. जी. तो दादी के जाने के बाद वो परिवार सारा ही, मैं समझती, एक तो मास के बाद विशेष मधुबन आए, और मधुबन की यात्रा से तो उनको ब्राह्मण की स्टैंप लग गई. ये मैं बता रही हूँ, जो व्यक्ति उस समय कैबिनेट मिनिस्टर था गयाना की गवर्नमेंट में, और फिर बाद में वो वाइस प्रेसिडेंट रहा कंट्री का, और फिर बाद में वो हाई कमिश्नर रहा गयाना के प्रति दिल्ली में. तो ये जो सारा परिवार था वो सारा ही सारा ज्ञान में चल पड़ा. और उसमें से अभी एक बहन तो न्यूयॉर्क में रहती है, उनकी भी एक बेटी, और बहुत सेवाएं कर रही है. तो वो भी कहेंगे कि दादी गुलजार ने मेरे दिल को बाबा के साथ जोड़ लिया शुरू से ही. और फिर मतलब सारे परिवार की कोई विशेष बातें हैं. तो दादी ऐसे निमित्त बनी जो उस परिवार को बाबा के साथ सारे कल्प के लिए, कल्प के लिए उनको बाबा का संबंध जुट गया. यही उनकी खूबी थी, मैं जानती हूँ कि जो भी उनसे मिलता था वो अपनेपन का बहुत भाव देते थे. जी जी. ऐसा कोई दीदी अनुभव आपको याद हो दादी के साथ जो आज भी आप सोचते हैं तो ताज़ा हो जाता है? जी. जब हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे कई देशों में, तो दादी की जो एडजस्टमेंट पावर थी वो तो कमाल की थी. एक फोटो किसी ने अभी भी मेरे को भेजा. तो वो दादी का चेहरा है जब हम बोट में जा रहे थे टर्की में हम थे, तो टर्की में
एक माता थी जिन्होंने कहा कि मेरे घर पे, वो आइलैंड पर घर था, तो मेरे घर पे दादी सत्संग करे, क्लास कराए, हमारे फ्रेंड्स सब इकट्ठे होंगे। तो वो विशेष माता थी, तो उसका बोट भी अपना था, तो हम लोग उस बोट में गए। तो क्योंकि मेनलैंड से आइलैंड पर जाना था तो शॉर्ट जर्नी थी, शायद 20 मिनट की, परंतु 5 मिनट के बाद 10 मिनट का तेज़ तूफान आया और हम सब थोड़ा सोचते थे कि दादी पता नहीं तबीयत कैसे रहेंगी, दादी की उम्र भी तब तक तो बड़ी ही थी। और फिर उस समय दादी का चेहरा, वो फोटोग्राफ में ही उसने हमें भेजा है, बिल्कुल शांत मूर्त। और फिर बाद में हम पहुंचे, फिर सबको थोड़ा ख्याल था कि दादी को शायद थोड़ा रेस्ट होगा, परंतु दादी कहे नहीं मैं तो ठीक हूँ। तो ये जो इंटरनल स्टेबिलिटी है, उससे जो दादी प्रकृति को भी बिल्कुल अपने शरीर को भी शांत कर देती थी और डिटैच होकर के सब चीज़ें देखती रही, ये एक विशेष यादगार है सबके दिलों में कि दादी बिल्कुल अचल अडोल स्थिति वाली आत्मा थी। और ये तो मैं बता रही हूँ 2009 की बात। तो उसके बाद भी दादी का कितना त्याग, कितना तपस्या चला है, तो और ही दादी, अभी हम कहते हैं कि दादी संपन्न स्टेज को प्राप्त किया। तो मैं समझती हूँ कि संपन्न स्थिति कुछ वर्षों तक दादी की हम देखते रहे, दादी बिल्कुल साक्षी होकर के देख भी रही है और जहाँ कुछ कहना है दादी बता भी रही है, परंतु बाकी समय दादी का कुछ और चिंतन नहीं चल रहा। आखिरी के साल भी अगर दादी के देखते हैं तो आपने जैसे वर्ड यूज किया प्रकृति जीत, उन्होंने पूरे अपनी बॉडी का जो कंट्रोल था वो भी अपने हाथ में रखा हुआ था। जी, जी, तो वो जो आखिरी सालों में आपकी मुलाकात अगर दादी से हुई तो वो कैसी थी, आपने क्या अनुभव किया उस बीच में? जो दादी 3 वर्ष मुंबई में रही, उसमें मैं पहले 2 वर्षों में तो मैं 2 बारी तो जाती ही रही मुंबई में दादी से मुलाकात के लिए, और फिर लास्ट वर्ष में मैं 1 बार गई। तो ये 5 बारी की मुलाकात उस समय मुंबई में रही, और हर समय दादी बहुत प्यार से मुस्करा के देखती थी, पहचानती भी थी। नीलू बहन उसकी असिस्टेंट पूछती थी, दादी मालूम है ये कौन है? तो दादी मुस्करा के ऐसे ऐसे करती थी। तो दादी को पूरा होश था, ऐसे नहीं कि पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं, पूरा ही होश था। फिर मैं दादी को जो कुछ चीज़ें लाई होंगी, कभी कुछ कार्ड था, कभी कुछ याद प्यार के कुछ छोटे से गिफ्ट थे, तो दादी को दिखाते थे, तो दादी मुस्करा के ऐसे करती थी। दादी तब तक तो आवाज़ में आना कम पसंद करती थी जी। वैसे तो बचपन से ही दादी का ये थोड़ा स्वभाव था, जो दादी ज़्यादा शांत रहती थी, परंतु ये अंतिम वर्ष जो बीते, बिल्कुल दादी का जैसे कि मन भी शांत और मुख भी शांत, एक मौन व्रत की तरह दादी का चला। और फिर एक और विदेश का मैं बताती हूँ छोटा सा अनुभव। दादी बहरीन, कुवैत, उस तरफ मिडिल ईस्ट में चक्कर लगा रही थी, तो लेबनन के प्राइम मिनिस्टर के एक फ्रेंड थी जिन्होंने दादी के साथ मुलाकात की थी यहाँ पर आबू में, तो उन्होंने उसका परिचय दिया। तो प्राइम मिनिस्टर को इतना इंटरेस्ट था दादी के साथ मुलाकात का, जो कहे कि कैसे भी करके हम डेट्स एडजस्ट करके दादी को यहाँ बुलाएं। दादी का प्रोग्राम्स 2 स्थानों पर पहले से ही फिक्स और आगे भी फिक्स, और प्राइम मिनिस्टर का भी टाइम टेबल बहुत टाइट था, उसी दिन उसको जाना था कहीं और देश में। तो उसने क्या किया, उसने अपना प्राइवेट जेट भेजा। तो उसमें फिर दादी और उसके साथ जो बहनें थी वो गई बेरूत। और बेरूत में पहुंचते ही प्राइम मिनिस्टर ने एक्सपेडाइट किया कि सीधा ही बहुत फास्ट एयरपोर्ट से निकल के मेरे पास आ जाए। उन्होंने अपना सारा गाड़ियों वगैरह का प्रबंध किया, और दादी जी से जब उन्हों की मुलाकात रही तो उन्होंने को भी बहुत बहुत प्राप्ति हुई। तो
दादी एक दिन के लिए बेरूत गई खास प्राइम मिनिस्टर से मिलने, फिर तो और लोग भी फ़ायदा उठाते ही हैं, परंतु फिर दादी वापस उस अपने देश में पहुंच गई। तो दादी का इतना प्रभाव होता था जो सब कुछ हिला करके दादी की मुलाकात हमें ज़रूर करनी है, अपना सब कुछ एडजस्ट करके वो प्रोग्राम बना लेते थे, क्योंकि जिन्होंने अनुभव किया था उन्हों को तो दिल में बहुत उसका भावना थी, तो वो औरों को भी वो भावना बिठाते थे। जी बिल्कुल जी। दादी की खासियत ही थी कि हर कोई उनसे मिलना चाहता था जैसे, और उनकी वाइब्स जो थी पूरा एटमॉस्फेयर चेंज कर देती थी। जी, दादी की हाजिरी जहाँ भी होती थी, छोटा ग्रुप हो, एक व्यक्ति हो, चाहे बड़ी सभा हो, तुरंत ही एक शांति का प्रभाव सब तरफ पहुंच जाता था और लगता था कि सचमुच भगवान की शांति की दूत बन करके आई है। जी, तो ये प्रैक्टिकल हमने देखा। जैसे अगर फॉरेनर्स की बात करें तो जब फॉरेनर्स यहाँ आते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा भावनाएं हैं कि दादी से मिलना है, बाप दादा मिलन करना है, तो जब दादी फॉरेन जाते थे तो वहाँ पर क्या रिस्पांस मिलता था, लोगों के क्या अनुभव होते थे, क्या एक्सपीरियंस होते थे दादी के साथ? एक भाई है जो अपने धर्म में बड़ा है, रैबाई जिसको कहते हैं यहूदी धर्म में, उसके निमंत्रण पर उन्होंने एक प्रोग्राम रखा जेरूसलम। अब क्योंकि टर्की मुसलमान देश, फिर ग्रीस क्रिश्चियन देश, और फिर इज़राइल यहूदी देश, तो उन तीन स्थानों का भी दादी ने इकट्ठा ही चक्कर लगाया, दो दिन दो दिन दो दिन इस तरह से। तो हम लोग इज़राइल में थे और कई प्रोग्राम्स चले, परंतु इस भाई ने खास दादी का रखा जेरूसलम में, और जेरूसलम है तीन देशों का मुख्य स्थान, क्रिश्चियन मुस्लिम और साथ साथ यहूदी। तो वहाँ पर जो सभा भी थी इस तरह से मिक्स्ड थी, पहले तो पैनल डिस्कशन के रीति से, और जो धर्म के बड़े थे उनके साथ साथ दादी ने बोला, और उसमें दादी का खास पावर ऑफ पीस पर प्रवचन था। फिर जब प्रश्न शुरू हुए, क्योंकि डिस्कशन के बाद फिर प्रश्न चले, तो एक भाई ने प्रश्न पूछा कि आपका ओसामा बिन लादेन के साथ क्या विचार है और उसके प्रति। तो दादी ने नाम तो सुना था, दादी ज़्यादा डिटेल्स तो उसकी पॉलिटिक्स की बातों में नहीं जाती थी कभी, परंतु सारी सभा जैसे कि एक इलेक्ट्रिक करंट हो गया था, बहुत इलेक्ट्रिक शांति थी, नॉट जस्ट नॉर्मल शांति परंतु इलेक्ट्रिक शांति। और उसमें दादी जैसे कि एक घड़ी बाबा के साथ संबंध जोड़ा, और फिर दादी साइलेंस करके फिर दादी ने बोला, मैं सोचती हूँ कि मुझे इस आत्मा के लिए क्या करना है। तो जैसे भगवान ने हमें सिखाया है, हर आत्मा के लिए गुड विशेस रखो, परमात्मा की टचिंग उस आत्मा को भी आए तो उस आत्मा को भी कुछ मदद मिले और संसार को भी कुछ सहयोग मिले। तो मैं वही काम करती हूँ, हम सबको ऐसे ही करना चाहिए, उसके प्रति हम भगवान की याद में गुड विशेस उसको भेजें।